Hey guys, what is up? So I'm right now in my cruise, तो इसको अभी जाना था. देखो कल एक मैंने पोस्ट डाला था, मतलब एक छोटा सा एक स्टोरी डाला था, तो कुछ लोगों को पता चल गया होगा और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी इस वीडियो में. द रीज़न वट इज़ दैट मेकिंग दिस वीडियो इज़, इसमें थोड़ा सा ना अवेयरनेस भी है, थोड़ा सा मज़ा भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है और थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन भी है. क्योंकि ये जो काम मैंने जो कार में करवाया ना, ये काम कराने के लिए बहुत लोगों का उत्सुक होता है, मतलब वो क्या बोलता है, उत्सुक मतलब इच्छा होती है कराने की, फिर भी वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कराएं या ना कराएं और कराने में कैसा हो क्या क्या हो. तो मैं थोड़ा सा सीट बेल्ट डाल लेता हूँ इसलिए. वेल ऑल राइट, तो राइट नाउ अभी आप देखो थोड़ा सा साइड में करता हूँ मैं, जो मेरे जो मिरर्स हैं दैट इज कम्प्लीटली जेट ब्लैक. अब मैं बाहर से आपको कार दिखाता हूँ. वेल नाउ आई एम इन अ लोकेशन जहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर सकता हूँ. सो देखो आप मुझे पीछे का ग्लास देखो, वो भी मैंने टिल्ट करा के रखा है, साइड के जो भी मिरर्स हैं वो टिल्ट करा के रखा है. जो अंदर की जो विजिबिलिटी है जो ऐसी रहती है, मतलब पूरा एक डार्क सा सेक्शन, नो मस्त प्राइवेसी और एक माफिया लुक. और देखो ये भी मैंने शीशा टिल्ट करा के, आपको अंदर से इतना डिफरेंस नहीं दिखा होगा, मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ. थोड़ा सा मैं गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ, अभी मैं बाहर से दिखाता हूँ. अभी देखो ये मिरर मैंने डाउन किया, अभी मुझे अंदर से 100% जेट ब्लैक डाल के बाहर की विजिबिलिटी वैसे दिखती है और अंदर से विजिबिलिटी ऐसे दिखती है. ऑल राइट, तो अब ये है इलीगल काम. आई नो दैट इट इज, गवर्नमेंट कभी अप्रूव नहीं करती. अप्रूव करने का रीज़न भी है, मैं बताता हूँ आपको क्या रीज़न है इसका. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट अप्रूव करे या ना करे, मैं आपको पर्सनली एक ओपिनियन बताता हूँ, उसको आप ध्यान से सुना, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो. मैं आपको गाड़ी बाहर से एक बार दिखाता हूँ, जल्दी से गाड़ी होके आते हैं. वेल दिस इज़ ए क्रूज़ जो मेरी ब्लैक हो चुकी है. मैंने इसको पूरा इसमें नहीं करा है, बट इसमें तो थोड़ा सा मैंने ब्लैक करके रखा है. और दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम अ साइड विच रियली लुक्स अमेजिंग. गाड़ी ऐसे लगती है कोई, मतलब फुली प्राइवेट फुली माफिया टाइप की गाड़ी लगती है. कि क्या लुक आ रहा है भाई, सीरियसली वो जो ब्लैक गाड़ी में जो वो क्रोम कलर के जो स्ट्रिप जा रही है, सीरियसली किलिंग्स लाइक एनीथिंग. पूरी गाड़ी में देखो मैंने पूरा फुल शीशे ब्लैक करके रखा है, तो ब्लैक गाड़ी में ब्लैक मतलब वो इट्स लाइक अ सोने पे सुहागा. तो रियली अमेजिंग. तो अब एक गाड़ी को एक बार और देखो, मैं आपको दिखाता हूँ. वेल अब आ जाते हैं रीज़न जो हमें ये नहीं कराना चाहिए. क्योंकि एक तो पहली बात, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, मैंने पूरा जेट ब्लैक करके रखा है. और ऊपर से गवर्नमेंट अप्रूव करते से 50% साइड में और 70% पीछे शायद, तो आई डोंट नो शायद वही है या 50-50% पूरा करा लो मस्त रहेंगे. कराने का एडवांटेज ये है, इसमें ना गाड़ी काफ़ी लुक दिखती है. सीरियसली गाइस, गाड़ी का लुक जो ना आप ही आपने देखा, स्टॉक गाड़ी का मैं अगर फोटो चिपका दूंगा इधर, एक बार लुक देख लो. और जो अभी जो गाड़ी दिख रही है ना, सीरियसली अमेजिंग नेक्स्ट लेवल की गाड़ी दिखती है. वो जो है नो डाउट गाड़ी नेक्स्ट लेवल दिखती है, बट द प्रॉब्लम इज नाइट पे जब आप ड्राइव करते हो, सीरियसली ना आपको बहुत पछतावा होगा. सीरियसली ना लगे, मुझे भी हो रहा है, मतलब मैं नाइट पे थोड़ा ज़्यादा ड्राइव करता हूँ. अभी तो मेरे चलो LED है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ना आप जो एक ही बार पे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करके आप जो टर्न्स लेते हो और जो हाईवे पे आप लेन चेंज करते हो, अगर आप मेरी तरह ड्राइव करते हो तो आपको पता होगा जो कितनी हिम्मत से एक ही बार में स्टीयरिंग से घुमाते हो फिर पीछे का मिरर देखो. और सबसे बड़ी बात, ये साइड का जो मिरर है ना, वो जो साइड का मिरर ना, तो सीरियसली दिखता ही नहीं गाइस. मुझे इतना घबराहट हो गया ना, मैं लेफ्ट राइट करने के लिए मैं ऐसा लग रहा था मैं डर डर के चला रहा हूँ गाड़ी को. मतलब ऐसा लगता है ना, पहली बार जब गाड़ी चला रहा था ऐसा हो गया था फीलिंग. मतलब फ्रंट वाले को ना सीरियसली एक 70% रखना तो ठीक है मेरे लिए, और बैक वाला भी एक 70% रखना ठीक है. बाकी के पीछे के ग्लास तो कुछ भी करा लो, दैट इज़ फाइन. अब ये जो आप मिरर देख रहे हो, और इसमें थोड़ा सा ना मेरे कार का थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे देखो एक रिफ्लेक्शन इसका पड़ रहा है, फिर एक मीटर कंसोल का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है. और ये रिफ्लेक्शन नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और इधर का भी आप मिरर देखो, ये रिफ्लेक्शंस नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस वजह से आपको मिरर इधर का मिरर तो बिल्कुल दिखेगा नहीं. इसका तो चलो ठीक है, फिर भी उधर का जो मिरर है ना तो बिल्कुल दिखेगा नहीं.
कंफर्म है उधर का तो दिखेगा ना, और जो इधर का जो पीछे का मेरा ना, तो आप देख सकते हो कितना कम इंटेंसिटी में दिख रहा है। वो जो एक लाइन मैंने छोड़ी है वो तो ऐसे छुक गई थी, बट वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा है रेफरेंस। उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी इतने बहुत कम में हो जाएगी और आपको वो हिम्मत नहीं आएगी, आपको चलाने में जो वो फील आता है ना, मतलब लेफ्ट लियो राइट लियो, वो देख के जो हिम्मत आती है ना वो नहीं आएगी इसमें, तो ड्राइवर के लिए बहुत दिक्कत है। तो दैट इज़ वॉट डिसएडवांटेज आई फील। अगर आप दलान चाहते हो तो इस मिरर पे और उस मिरर पे क्या करो, एक 70% या 50% दलावा लो और पीछे का जो है वो तो एनी हाउ मैनेजेबल है। तो यस, दैट इज़ वॉट मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज बता दिए इसके। एडवांटेजेस का ये है, जो एसी आप डालोगे तो बहुत चिल रहती है, एक बार एसी आप ऑन करो तो मतलब एक 5-10 मिनट में ना बहुत कोल्ड रहती है कार, ऐसा लगता है आप लिटरली कोई ऑफिस में बैठा हुआ, जो प्रोफेशनल एसी होते हैं वहाँ पे। और डिसएडवांटेज में बताया, बहुत डिसएडवांटेज है विजिबिलिटी का, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने बैन किया है और जो अंदर कुछ भी होता है वो दिखता नहीं। बट मुझे एक शौक था गाइस काली गाड़ी रख के, मतलब पूरे शीशे काले कराने का, तो मेरा शौक तो अभी पूरा हो चुका है। तो वैसे भी निकाल दूंगा इन दोनों को, तो मैं डेफिनेटली निकालूंगा क्योंकि मैं नाइट में बहुत ड्राइव करता हूँ, तो मुझे दिक्कत हो रही है इसमें। अभी डे में चलो कोई बात नहीं, बट नाइट में बहुत ही दिक्कत होती है इसमें, तो मैं इन दोनों को तो ज़रूर निकालूंगा। बाकी का पीछे का मैं देखता हूँ, मैं पूरे निकाल के थोड़ा सा ना कम परसेंटेज का दिला लूँगा, क्योंकि ए सी की भी कूल रहे और सभी अच्छा रहे तो मैनेजेबल हो जाएगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजे और 6 बजे होते ही आप ये बाजू वाला विजिबिलिटी देखो यही बता रहा था मैं, इस कुछ नहीं दिखता गाइस, पूरा रिफ्लेक्शन ही दिखता है। और उधर का देखो, उधर का तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, आगे का जो देखो कितना ज़्यादा मतलब लाइट है, और मिरर में देखो कुछ भी नहीं दिखता। और ये मिरर तो छोड़ो, खैर छोड़ दो, इसमें कुछ देखना का ही नहीं है। और मैं रेफरेंस के लिए बता दूँ, देखो ये है नॉर्मल, मैं एक बार गाड़ी को ऑन करता हूँ और ये देखो मिरर उतारने के बाद देखो इतना ज़्यादा विजिबिलिटी है, और ये चढ़ाने के बाद देखो कितना कम हो जाता है। तो शाम होते ही होते मतलब बहुत ही दिक्कत होता है गाइस, लिटरली बहुत दिक्कत होता है। दलाने के बाद भी पछताओगे आप, मतलब 100% कभी मत दलाना अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो राइट का टाइम। अगर डे टाइम में सिर्फ शोबाजी करना है तो दलवा लो, और नहीं तो नहीं। तो गाइज एंड में कंक्लूजन यही है, अगर आपको थोड़े दिन के लिए शौक पूरा करना है तो दलवा के थोड़े आसपास घर के पास घूम लो, कहीं पे रोड पे मत लेके जाना, क्योंकि इलीगल एक है और ऊपर से आपको भी धोखा है, तो दैट्स द फाइन। मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता गाइज दलाने के लिए, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है इतना भी डार्क करके, 50% दलवा लो बस काफ़ी है और मज़े करो बस। और ऊपर से कुछ है कंपनी के रूल्स जो कहते हैं कोई भी नहीं दलाना है, मतलब 0% रखना है, 100% विजिबिलिटी चाहिए, और उन जैसे टेयर वन सिटीज़ में तो आई डोंट रिकमेंड आपको दलवाना चाहिए। मैंने बस थोड़े दिन देखने के लिए दलवाया था, मैंने 2 दिन हुए दला के, मतलब कल ही दलाया था, आज दूसरा दिन है, मैं निकाल दूंगा अभी थोड़े दिन में, ये मतलब होगा नहीं। मैं नाइट में थोड़ा ज़्यादा ड्राइव करता हूँ, तो मुझे कोई चीज़ अगर मुझे प्रॉब्लम दे रही है ना तो मैं वो इसको यूज़ ही नहीं करता, सीरियसली बता रहा हूँ। जो मुझे खुद प्रॉब्लम दे रही है तो मैं फ़ायदा ही क्या यूज़ करने के लिए। तो यही था मेरा कंक्लूजन, अब आपके ऊपर, बाकी गाड़ी कैसे लेगी मुझे बताना एक बार कमेंट्स में ज़रूर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो डेफिनेटली कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो ऐसे ही कार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इंस्टाग्राम में फॉलो करो, ऐसे ही बहुत अपडेट्स मिलेंगे आपको।